नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम आपको कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया से मिलवाते हैं। वो आज हमको धनिया की खास रिपोर्ट देने वाले हैं कि वर्ष 2021 में धनिया के उतार चढ़ाव क्या रहेंगे और कितनी क्रॉप आने वाली है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो हम मुकेश जी के पास आ चुके हैं। मुकेश जी हमें बताने वाले हैं कि आने वाले धनिया की क्रॉप क्या अनुमान है और क्या उतार चढ़ाव रहे। मुकेश जी बताएं जरा। नमस्कार महेश्वरी जी। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश भाटिया व्यापार दूत कोटा की तरफ से हर वर्ष आप लोगों को धनिया व अन्य स्पाइसेस के बारे में जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से मार्गदर्शन करता रहता हूँ। पिछले साल मैंने धनिया, मेथी, कलौंजी सभी चीजों की रिपोर्ट दी थी और सभी रिपोर्टें लगभग अक्षरशः सही साबित हुई। फिर भी मेरा कहना यही है कि आप हो या मैं, कोई भगवान नहीं है, अपने अपने आइडियाज हम लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं और वो एक दूसरे से आइडिया शेयर करने से एक पूरे व्यापारिक जगत के अंदर एक रोड बनता है कि भाई इस साल व्यापार को किस तरीके से किया है। NCDX व्यापार को काफी प्रभावित करता रहा है वर्षों से, लेकिन पिछले वर्ष धनिया में NCDX कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया। लेकिन फिर भी एक बेंचमार्क की तरह NCDX के भाव देख के ही आदमी काम करता है। हालांकि NCDX ने तेजी की तो उतनी तेजी में माल नहीं बिक पाया, या NCDX ने अभी जो मंदी कर रखी है उतनी मंदी में काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। आते हैं अपन मूल विषय पर। पिछले वर्ष मैंने धनिया, मेथी व कलौंजी तीनों चीजों में तेजी और खासकर कलौंजी में तो लगभग 20,000 रुपये जाने की संभावना जताई थी। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 230-240 तक कलौंजी के बाजार गए हैं। इसी तरह से धनिया का लगभग आइडिया मैंने 65-70 रुपये का रखा था और लगभग 70-72 रुपये NCDX बोर्ड हुआ। इस साल कुछ परिस्थितियां इसी तरह की बन रही है, लेकिन फिर भी इस पे गहनता से विचार करने पर पता लगेगा कि लास्ट ईयर तो हमारे पास एक धनिया का स्टॉक के रूप में काफी क्वांटिटी थी। इस साल लगभग डेड स्टॉक जितनी क्वांटिटी है। डेड स्टॉक का मतलब है 20-25 लाख बोरी हम लोग डेड स्टॉक हर साल मांगते हैं। वो चाहे धनिया 100 रुपये किलो हो या 200 रुपये किलो हो, वो माल नहीं बिक पाता है। उसी तरह से जैसे अभी कलौंजी की हालत है, कलौंजी बाजार तेज है, लूज मार्केट तेज है, बावजूद उसके मालों के जो खरीद बिक्री का जो मूवमेंट है वो विशेष नहीं हो पा रहा है। तो ऊंचे भावों पर 20-25 लाख बोरी धनिया इस तरह का हर साल रह जाता है जो ऊंचे भावों पर मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखा पाता है। लास्ट ईयर धनी की क्रॉप व पुराना स्टॉक मिला के हमारे पास जितनी उपलब्धता थी इस साल भी लगभग उतनी ही उपलब्धता है। इस साल एक मोटे फैक्टर में देखा जाए तो गुजरात दिन प्रतिदिन एक बहुत बड़ा धनिया उत्पादक राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है और 2013-14 में जो क्रॉप आया करती थी उससे लगभग डेढ़ क्रॉप या स्टैंडर्ड क्रॉप से दुगनी क्रॉप
इस साल आ रही है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल गुजरात में धनिया की फसल लगभग 1.5 गुनी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर 20-25% क्रॉप कम आएगी, चाहे इसके आंकड़ों पे तो खैर विश्वास भी नहीं होता मुझे, और अभी भी गुजरात के आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि MP गवर्नमेंट ने 2,74,000 हेक्टेयर के आंकड़े निकाले थे, तो 2,74,000 के हिसाब से तो क्या 1 करोड़ बोरी पैदा होती है मध्य प्रदेश में? नहीं, 25-30 लाख बोरी लास्ट ईयर आई थी, इस साल 25-30 लाख बोरी के कम में ही लगभग वही माल आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारी जो फसलें हैं उनकी मेहनती भूमिका है, चाहे चना हो, चाहे मेथी हो या कलौंजी हो। बहुत बड़ी मात्रा कलौंजी, मेथी व अन्य क्रॉपों की आ रही है। वहीं सरसों देखो तो सरसों, मतलब कुल मिलाकर के हर चीज़ों के भाव हैं। इस वजह से राजस्थान व मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से धनिया कम होगा। कितना कम होगा ये मुश्किल से, जो 25-30 लाख बोरी लास्ट ईयर जैसे MP में माना था, तो अब हो सकता है कि 25 ही आ जाए, या राजस्थान में हमने माना था 15-17 लाख बोरी, तो हो सकता है कि इस साल धनिया 12-13 लाख बोरी ही आए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। खासकर जो अन्य चीज़ों की फसलों में एरिया डाइवर्ट हुआ है वो मेंशन नहीं हो पा रहा। उसका मेंशन ना होने का एक बहुत बड़ा कारण धनिया किसानों के साथ ये है कि धनिया किसान जनरली चाहे कोई भी क्रॉप वही हो लेकिन उसको लिखवाते हैं धनिया है। उसका कारण ये है कि धनिया की क्रॉप कच्ची होती है, उसमें नुकसान के फटाफट आंकलन आ जाते हैं, नुकसान के फटाफट मुआवजे मिल जाते हैं, तो इसलिए धनिया की क्रॉप ज़्यादा लिखवाते हैं। यही लगभग गुजरात में भी यही स्थिति हुई है 10-20%, ऐसा नहीं है कि भाई 100% हुआ, लेकिन पहले हम लोग गुजरात के आंकड़ों को बिल्कुल सही माना करते थे, लेकिन लास्ट ईयर जैसे गुजरात ने आंकलन दिया था कि 35-40 लाख बोरी धनिया गुजरात में पैदा होने जा रहा है, लेकिन धनिया पैदा हुआ 25-30 लाख बोरी। आप लोग ये एक बात बताओ, किसी भी दिन गोड्डल मंडी में धनिया का ऐसा प्रेशर नहीं बना कि साहब गाड़ियां रोड पर खड़ी हो, हाँ ठीक है लाख बोरी एक आध दिन आई, लेकिन आई तो वो 8 दिन तक बिकती रहती है, अगले 8 दिन के लिए फिर वो लाख बोरी नहीं आई, फिर वो 20-25 हज़ार बोरी पर रह गया आंकड़ा। तो गवर्नमेंट के आंकड़ों को आप एक तरफ रख दें, गवर्नमेंट के आंकड़ों पर हम लोगों को विश्वास भी नहीं है, और यदि विश्वास करना है तो मुझे ये 2,74,000 हेक्टेयर जो धनिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बता रही है, तो मुझे कोई गिन के बता दे कि साहब इतनी बोरी धनिया है, इतनी बोरी की क्रॉप मानोगे आप? तो ये विशेष बात है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों को व्यापारियों को उन लोगों से डिस्कस भी करना चाहिए गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कि भाई ये इस तरह के जो फेक आंकड़े दिए जाते हैं उन फेक आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। अब ठीक है वो धनिया जो इसके लिए बोया है अपने, जैसे हरा धनिया इस साल 200 रुपये किलो बिक गया था, तो काफ़ी धनिया कोटा से MP गया है बुआई के लिए, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो धनिया पैदा होकर के बाजार में यदि नवंबर अक्टूबर में गया था तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था, तो कहाँ नजर आ रहा है वो? तो वो केवल पत्ते के लिए धनिया जाता, ऐसे जो गुजरात में होता है जो दाहोद गोधरा या अरावली जिले में जो धनिया होता है वो कम्प्लीटली जो है वो हरा धनिया के लिए धनिया होता है, उसको आंकड़ों में शामिल करना मेरे ख्याल में ये तथ्य तर्कसंगत भी नहीं है, तथ्यपरक भी नहीं है। इन दोनों चीज़ों को जो है समझना होगा और उसी हिसाब से हमें आगे व्यापार करना चाहिए। इस साल जो मेरा मोटा आकलन है, चूंकि धनिया व्यापार का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर गुजरात बन चुका है, तो लगभग जो पार्क प्राइस चलते हैं वो गुजरात के हिसाब से ही मार्केट में मूवमेंट होते हैं। इस हिसाब से लगभग मुझे ये लगता है कि 4500 से 5000 लूज बिकता है, तो आदमी को धनिया स्टॉक करना चाहिए, धनिया का मूवमेंट में घुस जाना चाहिए। 65-70 के ऊपर निकले तो धनिया को बेचने का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस साल कई सारी परिस्थितियां नई है। एक तो जो लास्ट ईयर हमारे पास लगभग 50 लाख बोरी के आसपास पुराना स्टॉक था,
जो इस साल हमें 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं नज़र आता है। तो एक तो पुराने स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कमज़ोर है, हिसाब से बाजार 45-50 भी आना मुश्किल है, पर बाइक हुए यदि 45 से 5 हज़ार के बीच में आए तो आँख बंद करके धनिया जितनी ताकत हो उतना फल लेना चाहिए। 60-65-70 के ऊपर हाईएस्ट मूवमेंट लगभग इस साल मानता हूँ, लेकिन चूंकि इस साल जैसे अगस्त तक के धनिया एक्सपोर्ट के आंकड़े आए थे तो धनिया एक्सपोर्ट जो है लगभग 15% की बढ़ोतरी थी दूसरे सालों के मुकाबले, और उसमें भी फिर अक्टूबर और नवंबर में 24-25% के लगभग धनिया एक्सपोर्ट बढ़ा है। यदि यही गति, इसका कारण भी है कि लगभग हर देशों में कोरोना फैला और कोरोना में एक बात निकल के आई कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान मतलब एशिया के लोगों की इम्यूनिटी खासकर साउथ एशिया की बहुत अच्छी है, और उसका कारण ये है कि वह लोग मिर्च मसालों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इस साल जैसे हल्दी है तो हल्दी में 31% की बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पे हल्दी का कोई दूध भी बिकने लग गया है विदेशों में, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज है। तो डे बाय डे भारत की खान पान की जो आदतें हैं, जो आचरण हैं, धीरे धीरे लोग उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए डे बाय डे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना ही है। यदि अच्छा एक्सपोर्ट होता है तो बाजार 80-85 भी जा सकता है, नहीं तो 65-70 का बाजार एक नॉर्मलाइज, जो नीचे में 45-50 और ऊपर में 65-70 एक नॉर्मलाइज मान के उस रेंज में रेंज बाउंड व्यापार बिल्कुल करना चाहिए, 45-50 में लेना चाहिए, जिस दिन 65-70 आ जाए उस दिन भेज देना चाहिए। दूसरी जो है कमोडिटी, हम मेथी ले लेते हैं। मेथी में चूंकि बहुत अच्छे भाव देखे, इस हिसाब से मेथी का रकबा खासकर हड़ौती रीजन मध्य प्रदेश का वेस्टर्न इलाका और कुछ सीमा में वेस्टर्न राजस्थान, मेथी का रकबा बढ़ रहा है। मेथी की कहानी लगभग 5,000 के आसपास चलती रहेगी, कोई बड़ी तेजी नहीं लगती है, कोई बड़ी मंदी नहीं लगती है, बड़ी तेजी इस महीने में नहीं लगती है कि 3-4 सालों से धनिया मेथी का जो स्टॉक लोगों ने रखा था स्लो मूविंग होने की वजह से बहुत तकलीफ के साथ इस साल लोग क्लियर हुए हैं। एक साल क्लियर नहीं, लास्ट ईयर क्लियर हो गए थे, इस साल तो बल्कि हाउ हेड हैंड टू माउथ चले हैं, तो उसमें बस हैंड टू माउथ वाली स्थिति में ही मूवमेंट कर देना चाहिए, मंदा आए ले लेना चाहिए, तेजी आए बेच देना चाहिए। कलौंजी लगभग जो 60-70 की रेंज में बिका करती थी 2-3 साल पहले है, अब वो 90 से 125 की रेंज में घूमती रहेगी। यही हालत जीरे की होगी, जीरा 11,000-12,000 में लेना बनता है, लगभग 15,000 के अंदर अंदर मतलब 140 या 150 या 145 जो भाव मिले उसमें बेचना बनता है। इस बार थोड़ी शॉर्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अभी तक मैंने गुजरात गवर्नमेंट के ही आंकड़े देखे हैं, मैंने गुजरात का सर्वे प्रॉपर वे में नहीं किया है। कुछ व्यापारियों से बात हुई, कुछ व्यापारियों ने जिस तरीके से बताया उस हिसाब से मैंने एक रिपोर्ट के रूप में एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लगभग 15 फरवरी के आसपास फिर एक बार एक रिपोर्ट और दूंगा, तब तक शायद हो सकता है कि मेरा सर्वे भी पूरा हो जाए और मार्केट में भी एक मूवमेंट किस हिसाब से रहेगा उसकी चाल भी नजर आ जाएगी। धन्यवाद।